अभी हम आपको इस्लामाबाद लिए जा रहे हैं, जहां पर इस वक्त एपीसी जारी है और आसिफ अली जरदारी का खिताब चलाया जा रहा है। दीवार बनाई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द, ताकि कोई मैली आंख रखने वाला अंदर से या बाहर से पाकिस्तान को कमजोर न कर सके। मगर अफसोस ये जो नामज है, जो साथी दोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच एक समझो के मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है, और वो समझता है कि वो हमपारी 73 से सही जुल्फकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस जमाने के लीडरों से वो ज्यादा होशियार है, और उन सब ने मिलके 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए हमने 1857 बनाई है। तो मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही हूं, तो उस मुलाकात का मुझे इंतजार भी रहेगा। हमने शुरू से इस मैनिपुलेशन के खिलाफ, इस जाली मैंडेट के खिलाफ, और मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल के किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी और अर्ज होगी कि आप इस एपीसी में तो लाए अमल तय कर लें, ऐसा लाए अमल तय करके हमें दें कि हम आगे चल के उससे जमहूरियत को मजबूत कर सके, आगे बढ़ा सके। इसलिए पहली बुनियाद जमहूरियत है, हर चीज की पहली बुनियाद मुल्कों की जमहूरियत, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी होगी, उसके बाद आप जाके कोई और काम करेंगे। मगर ये ऊपर से आके और नीचे समझते हैं कि हमने जमहूरियत कर दी, ये कोई जमहूरियत नहीं है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। हम बलोचों के कॉज के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में और दूसरी कौमों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी। 1857 में सबसे ज्यादा अगर हिस्सा मिलता है तो पंजाब को मिलता है। हम पंजाब के साथ भी हैं, हम साउथ पंजाब के साथ भी हैं, हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलके हुकूमत शेयर करके, अपने सोचें शेयर करके और फिर आगे बढ़ना चाहते। मैंने हमेशा दोस्तों को अपनी जगह पे अपने से ज्यादा तजीज दी है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों का उठना, हमसे बैठना, हमें बताना, हमें एडवाइस करना हमें कबूल है। ये जमहूरी थी ताकत, बाकी ताकतों के खिलाफ मैं मुझे एक जो मुझसे पहले था तख्त नशीन इस तख्त पे, वो कहता था कि आपने फॉरन ऑफिस जरदारी का खिताब चलाया जा रहा है एपीसी में। आपको बताते चले, इस मौके पर उनका ये कहना था कि हमने 2 साल इंतज़ार किया, ये जमहूरियत नहीं है, ये सूरत हाल को ऊपर से नीचे तक ख़राब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में अगर हम देखें तो माशी बदहाली की सूरत हाल है और कोई भी मुतमईन नहीं है। एपीसी बहुत पहले होनी चाहिए थी, इसमें देर कर दी गई। आप देख सकते हैं आसिफ अली जरदारी जो कि एपीसी से इस वक्त खिताब कर रहे हैं।